नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं चिप न्यूज़। आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। शिवसेना पार्टी का 56 साल पुराना चुनाव चिन्ह उद्धव और शिंदे गुट की लड़ाई में चुनाव आयोग ने फिज कर दिया है। आयोग के इस कदम के बाद उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर सामना संपादकीय के जरिए जमकर भड़ास निकाली है। सीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। बता दें कि संपादकीय में लिखा गया है कि महाराष्ट्र पर वज्रपात गिरे और सब कुछ क्षणों में नष्ट हो जाए, ऐसा कुर निर्णय चुनाव आयोग ने शिवसेना के मामले में दिया है। गद्दार मिंदे गुट ने आपत्ति जताई, इसीलिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित की गई शिवसेना का नामो निशान खत्म करने की अघोरी कोशिश की गई है। चुनाव आयोग ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह फिज करने और शिवसेना का नाम स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाने पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश भी जारी किया है। चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय देकर महाराष्ट्र के जीवन में घना अंधेरा ला दिया है। बालासाहेब ठाकरे ने 56 वर्ष पहले मराठी अस्मिता, मराठी लोगों के न्याय अधिकार के लिए एक अलग जगाई, हिंदुत्व को योगदान देकर बढ़ाया। आज उस शिवसेना का अस्तित्व खत्म करने के लिए इसी महाराष्ट्र की मिट्टी से एकनाथ शिंदे और उनके 40 उच्च के दिल्ली के गुलाम बन गए। उन्होंने महाराष्ट्र के मामले में सुपारीबाज की भूमिका अपनाई है। सामना में लिखा है कि शिंदे और उनके 40 बेईमानों का नाम महाराष्ट्र के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। पिछले 56 वर्षों में देश के किसी भी दुष्ट राजनेता से जो नहीं हो सका वह एकनाथ शिंदे नामक सुपारीबाज ने कर दिखाया। इस काम के लिए दिल्ली ने उस सुपारीबाज का साथ दिया। शिवसेना को ऐसे घाव देकर इन सुपारीबाजों ने महाराष्ट्र को पंगु बना दिया, मराठी लोगों को कमजोर बना दिया और हिंदुत्व को रसातल में ले गए, ऐसा ही कहना होगा। एक मुख्यमंत्री पद और कुछ मंत्री पद की सौदेबाजी में महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने वाली इन औलादों के आगे औरंगजेब का दुष्टपना भी फीका पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इन सब की सूत्रधार है। शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हम 2.5 साल से कर रहे थे। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र पर हर वार को शिवसेना ने अपनी छाती पर झेला है। हजारों शिव सैनिकों ने इसके लिए बलिदान दिया, रक्त बहाया। इस रक्त और त्याग से लिखी शिवसेना को खत्म करने में कोई कामयाब नहीं हुआ, तब एकनाथ शिंदे नामक सुपारीबाज की नियुक्ति उस काम के लिए हुई। तैमूर लंग, चंगेज खान और औरंगजेब की तरह एकनाथ शिंदे और अन्य सुपारीबाजों ने दुष्टता की। एकनाथ शिंदे इन सुपारीबाजों के सरदार है, ऐसा दानव हिंदुस्तान के इतिहास में 5000 वर्षों में भी नहीं हुआ होगा। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के अस्तित्व पर हमला करने का प्रयास करते ही उसने दुष्टकर्मी अफजल खान की तरह दाढ़ी को ताव देते हुए कुटिल मुस्कान भरी होगी। शिवसेना और महाराष्ट्र के बारे में ऐसे दुष्टता करने वाले सुपारीबाजों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबरें जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।